हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीती हूँ और ये देखिए दूध की थैली भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एट द रेट स्वीट इंडियन ऑटिस्टिक गर्ल एंड फैमिली। फ्रेंड्स, मेरे चैनल एट द रेट स्वीट इंडियन ऑटिस्टिक गर्ल एंड फैमिली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अदरक मैंने डाल दी, अभी पत्ती और सब डाल के, दूध डाल के, और चीनी तो मैं लेती नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो अपनी चाय मेरी बन जाएगी। मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर गए हुए हैं। आज संडे है, हैप्पी संडे टू यू ऑल। और बाहर मॉर्निंग वॉक पे गए हस्बैंड मेरे, वहीं से चाय पी के आते हैं सैटरडे संडे। और उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनका पूरा ग्रुप है बहुत ही अच्छा, तो वो उधर एंजॉय करते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद तो फिर 5 days वीक रहता है, तो 5 दिन फिर उनको ऑफिस का रहता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स के साथ वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं शाम को निकल पाती हूँ, और आयशी को लेने जब जाती हूँ मैं, तब भी थोड़ा वॉक मेरा हो जाता है। तो अभी मैं प्राणायाम करती हूँ फ्रेंड्स मॉर्निंग में, और शाम को मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, आयशी अभी सो रही है, तो मैं इसे सोने दूँगी क्योंकि संडे है। तो फ्रेंड्स, अपने लिए मैं चाय लेकर आ गई हूँ। और मॉर्निंग में बाहर से जो है कोयल की आवाज़ आ रही है, उसको सुनते हुए मैं अपनी चाय का लुत्फ़ उठाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पोहा। ये मैंने पोहा गला दिया है, इसमें मैं थोड़ा नमक और शक्कर डाल के रख दूँगी ताकि इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं प्याज और हरी मिर्च और आलू तीनों को फ्राई करूँगी, और उसमें राई और सौंफ मैं पहले डालूँगी, और उसके बाद मैं पोहा बना के दिखाती हूँ आपको। ये बन रहे हैं आलू वाले पोहे, तो मैंने इसमें आलू डाल दिया। मैं इसको सेक रही हूँ थोड़ा सा तेल में, जब ये हल्के से सिक जाएंगे तो इसमें प्याज और हरी मिर्च में डाल दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आलू जो हैं वो थोड़े से पक जाएंगे, तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें आलू जब थोड़े से पक गए थे, तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दिए हैं, और अब ये पक जाएंगे तब मैं इसमें पोहा डाल दूँगी। पोहा मैंने नमक और शक्कर डाला हुआ है। पोहे में मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, पोहे में लाल मिर्च नहीं डलती है, ऐसे ही अच्छा लगता है वो। और उसके बाद आज मेरे पास नमकीन नहीं है, इसलिए मैंने इसमें आलू डाल दिया है। और वैसे नहीं तो फिर बनने के बाद इसमें ऊपर से नमकीन और नींबू और कच्चे प्याज टमाटर डाल के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी आलू वाले पोहे बन गए हैं, और इसमें मैंने नींबू भी निचोड़ दिया है, धनिया इसमें डाला हुआ है। तो अब मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आयशी उठ गई है, और टाइम हुआ है 10:30 बज चुके हैं। आयशी अब उठी है और अब वो अपना पोहा खा रही है। देखो, एकदम चाइनीज़ जैसी दिख रही है, थोड़ा स्वेलिंग हो गया है। रात को इंडियन सोई थी, सुबह चाइनीज़ बन के उठी आयुषी।